हाँ जी, आज हम अपने सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर फोर्थ टैक्स लॉज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में हम कंप्लीट कवरेज करेंगे पेपर फोर्थ टैक्स लॉज की, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो सब इस पेपर का नेम क्या है? दिस इज पेपर फोर्थ, दिस इज टैक्स लॉज। सर ये आपको ग्रुप वन में फॉलो करता है, सीएस एग्जीक्यूटिव। तो सर ये पेपर है क्या, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्क्स का पैटर्न क्या होता है, इस बैच में कितने लेक्चर्स होंगे, तो ये सभी बातें देखते हैं। बट इससे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सी हेमंत गुप्ता है एंड मैंने अपना CMI 18 में क्वालिफाई किया है एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग CA। तो एंड सभी मेरे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। तो सर देखते हैं ये पेपर है क्या, पेपर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आता है सिलेबस। ICSI ने अपने पेपर फोर टैक्स लॉज में दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या होगा? डायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली हमें पढ़ने को मिलेगा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में सर GST एंड कस्टम्स। आई होप आपने GST के बारे में तो बहुत सुना होगा, ये रेगुलरली चर्चा में रहता है दिन भर। बट इंडियन इनकम टैक्स भी आपने डेफिनेटली सुना होगा, आपके भाई, आपके फादर, आपके घर में कोई ना कोई इनकम टैक्स के बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई बात करता होगा, जिसे हम नॉर्मली हम ITR फॉर्म में देखते रहते हैं, राइट? सर सेकेंड क्वेश्चन, सर इसका पेपर पैटर्न क्या है? तो पेपर पैटर्न बेसिकली इसका 100 मार्क्स है। पेपर कंप्लीट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स अलॉट किए हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए एंड 50 मार्क्स अलॉट किए हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। इट मीन्स टोटल 100 मार्क्स में से 50 डायरेक्ट टैक्सेज हैं एंड 50 इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं। पेपर का पैटर्न सर ये MCQ बेस्ड है 100%। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। MCQ मतलब चार ऑप्शन हैं, चार में से आपको करेक्ट आंसर टिक करना है एंड आपको मार्क्स की प्राप्ति होगी। देन तो सर क्या इसमें गलती की सजा होगी? यस, नेगेटिव मार्किंग है डेफिनेटली। नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है क्योंकि ICSI ये बाप को बच्चा नहीं समझता है, मतलब आप गलती करेंगे और आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा। फॉर एवरी वन क्वेश्चन जो आप करेक्ट करते हैं, यदि आपको 1 मार्क मिलता है, बट यदि आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब आपके 0.25 मार्क्स 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके टोटल मार्क्स में से, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपने। बट इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन केस एज्यूम आपने 100 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए करेक्ट, तो आपको मिले 80 मार्क्स। एंड सपोज आपने 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया, तो आपका 0.25 के हिसाब से 5 मार्क्स कट हो जाएगा, तो आपको नेट मार्क्स बचे 75। बट मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट पेपर एक ऐसा पेपर है जो बहुत बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे, आपको आप इसे ध्यान से अप्लाई करेंगे एंड आप टेक्स को एंजॉय करेंगे। तो हमें टारगेट करना है कि हम इसे इजी बनाएं एंड इसको एंजॉय करके पढ़ें एंड आई प्रोमिस आपके 70+ मार्क्स डेफिनेटली, आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। और पेपर पैटर्न इतना आसान है MCQ बेस्ड कि आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर थर्ड क्वेश्चन आता है, हमने मार्क्स देख लिया, पेपर पैटर्न देख लिया, तो सर ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? सर दिस बैच इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट। यस, दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए यही ये बैच एप्लीकेबल है। देन इसमें ये बेस्ड होगा हमारे लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से,
सर इसमें टोटल लेक्चर्स कितने होंगे? सर तो इसमें डीटी कंपोनेंट के लिए अराउंड 55 टू 60 लेक्चर्स एंड आईडीटी पोर्शन के लिए 25 टू 30 लेक्चर्स होंगे। तो इन नटशेल आपको 90 डेज में कंप्लीट पेपर फोर्थ रेडी हो जाएगा आपका, राइट? तो थोड़ा सा लेंथी है, टेक्स पेपर ऑलवेज थोड़ा वास्ट होता है। टेक्स पेपर आपका यस वास्ट है, बट हम इसको इजी एंड एंजॉयफुल बनाएंगे सो डेट हम इसमें इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। टेक्स्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, टेक्स्ट प्रैक्टिकल है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि डायरेक्ट टेक्स प्लस इनडायरेक्ट टेक्स दोनों ही क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको प्रैक्टिकली आप सिचुएशंस डील करेंगे इसमें, तो इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको नॉलेज गेन करना है, देन आप इजीली इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चंस को सभी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सर अभी हमें देखते हैं स्टडी प्लान क्या है हमारा। देखिए स्टडी प्लान मतलब हमें मटेरियल क्या यूज करना है, तो डीटी एंड आईडीटी। तो सर डीटी के लिए देखिए आईसीएसआई का स्टडी मैट, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट मींस आईसीएसआई के स्टडी मैट में दिया गया है कि क्वेश्चन हम करने वाले हैं सभी कॉन्सेप्ट सभी पॉइंट्स, कोई भी हम पॉइंट मिस नहीं करेंगे। आईसीएसआई का स्टडी मैट कंप्लीट कवरेज होगा, बट येस नॉट इन आईसीआई फॉर्म, नॉट विद द आईसीआई बुक। ये मेरी एक बुक होगी आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट बुक। एंड सेकेंड इसमें दिया जाएगा आपको एक क्वेश्चन बैंक। तो यस ये कॉन्सेप्ट बुक मैंने तैयार किया है। देखिए आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है 890 पेजेस, राइट? आउट ऑफ विच 600 पेजेस डीटी में है एंड अराउंड 250 पेजेस आईडीटी में आते हैं। तो पेपर बहुत वास्ट है, सिलेबस भी इसका काफ़ी लेंदी है, बट मैंने इसको अपनी कॉन्सेप्ट बुक में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर दिया है। अराउंड 300 पेजेस में ये आपकी डीटी की कॉन्सेप्ट बुक रेडी है विद क्वेश्चंस। तो हमें रिवाइज भी इसी से करना है, हमें पढ़ना भी इसी से है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत टेबलेट फॉर्म में जहाँ देना है, जहाँ मैंने बुलेट्स बनाए हैं, जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट को एक बहुत समराइज वे में प्रेजेंट किया है, तो आपको ये ईजी होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन बैंक, देखिए आईसीएसआई के स्टडी मेट में क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बहुत कम है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डेफिनेटली पेपर जब आप देखेंगे तो यस यू विल बी हैप्पी, यस वी कैन गेन 70 प्लस मार्क्स। एंड 80 प्लस मार्क्स आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो बुक्स हमारे पास यस डीटी की बुक के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट बुक रेडी है। एंड आईडीटी क्योंकि आईडीटी हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इतना लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, इसकी बुक हमारे पास, हम इसको आईसीएसआई के स्टडी मैट से ही कवर करने वाले हैं, राइट, विद क्वेश्चंस। तो मैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक अरेंज करूंगा। तो आईसीआई के स्टडी मैट से ही हम डीटी आईडीटी कवर करेंगे। तो सर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वॉट अबाउट रिविजन? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन इज द की टू सक्सेस। देखिए मैं इसमें बहुत मानता हूँ, रिविजन ये एक ऐसा आइटम है जिससे आप कोई भी एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिविजन सर हमारी क्लासेस में डेली बेसिस पे होगा। जो हम प्रीवियस डे में स्टडी करेंगे वो हम नेक्स्ट डे के बिगिनिंग में रिवाइज करेंगे। एंड इजिली हम समरी चार्ट से अपना रिविजन कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर बैच, सर यस आफ्टर बैच
रिविजन वीडियोज आपको डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपका 100% सिलेबस कवर करेंगे। तो हमारे पास रिवीजन के तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम डेली क्लासेस में तो हमें करना ही करना है रिवीजन, और हमारे पास समरी चार्ट्स अवेलेबल होंगे जिससे हम इजीली कोई भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे, और हमारे पास बैच ओवर होने के बाद हम डेफिनेटली रिवीजन क्लासेस लेने वाले हैं। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट, ठीक है। बिना टेस्ट के आपको नहीं पता, आप इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो आई हैव प्लान कि आपको 5 to 6 टेस्ट आपके बैच कंप्लीट होने के विदिन 1 वीक आपको अरेंज हो जाए, ये राइट। तो टेस्ट के लिए चिंता मत कीजिए, मॉक टेस्ट आपके 5 से 6 टेस्ट फुल टेस्ट होंगे, 100% सिलेबस कवरेज होगा, और इजीली आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर पाएंगे। तो यस, इसके अलावा आई थिंक कोई नहीं है, बट यस आपको कभी भी कॉन्टैक्ट करना है देन आपको कोई भी क्वेरीज हैं, तो वॉट अबाउट क्वेरीज, हाउ टू रिजॉल्व क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज आई नो सभी के लिए क्वेरीज आती हैं, सभी के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली कोई भी क्वेरी आपकी होगी आप इस नंबर पे क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा, इसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा, एक एक क्वेरी का रिप्लाई मैं खुद दूंगा। एंड यदि कोई और भी इशू है तो आप डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं मुझे gupta_hemant@gmail.com, राइट। तो क्वेरीज के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेरीज इजीली इन दो मीडियम के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सभी क्वेरीज का आंसर मिलेगा। बट ये मैं इंश्योर करूंगा कि आपको क्लासेस के दौरान ही आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाए। सर देखते हैं, तो आगे अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहला चैप्टर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इस चैप्टर में ये पहला चैप्टर है, बेस चैप्टर है, तो सबसे पहले इसमें यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैक्स। देखिए टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, टैक्स के काइंड कितने होते हैं, टैक्स मैनर किस तरह से लिया जाता है, ये सब चीज़ हम फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बहुत ईजी है, डोंट वरी, बहुत ईजी है टैक्स, आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, बट ये आई मेक श्योर कि आप इतना, आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आप इस ईजिली स्कोर कर पाए टैक्स। तो सर देखिए टैक्स क्या है, तो टैक्स आपके हिसाब से क्या होगा, टैक्स बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम क्या, एक फाइनेंशियल चार्ज, फाइनेंशियल चार्ज है, तो टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है। टैक्स इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। देखिए आप जिस सोसाइटी में रहते हैं अल्टीमेटली आप सभी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले रहे हैं, ये फैसिलिटीज फ्री में नहीं आती, ये फैसिलिटीज को अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स कलेक्शन करना पड़ता है, गवर्नमेंट अल्टीमेटली आपके लिए प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज जितनी भी आपको प्रोवाइड करती है उसके बदले में आपसे एक कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है, टैक्स क्या एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे टैक्स के पर्पज क्या होते हैं, तो टैक्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर में यूज होता है, राइट। सर टैक्स लगाते क्यों हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई टैक्सेस इज लेविड बाय गवर्नमेंट। सर टैक्स लगाते हैं ताकि आपका पेपर बनाया जा सके, पेपर फोर्थ आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है, आईसीएसआई ने पेपर इसलिए नहीं दिया है कि आपका टैक्स लगाया तो आईसीएसआई ने इसलिए पेपर दिया है, बट यस पेपर आपका फोर्थ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। सर देखिए टैक्स किस लिए लगाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बेसिक पर्पस होता है टू मीट एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। सर अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट के कौन सा एक्सपेंडिचर होता है,
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट का ही तो एक्सपेंडिचर होता है अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ, लाइक डिफेंस, देश की सुरक्षा, सेकंड पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर में भी तो गवर्नमेंट का पैसा जाता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, राइट, सिक्योरिटी, डिफेंस, देन इंफ्रा। देखिए आप जो रोड, ब्रिजेस, आप जो रेल, ये सब आप यूज कर रहे हैं, ये सब किससे बने हैं? गवर्नमेंट के पैसे से बने हैं? नहीं, आपके पैसे से बने हैं, ये टैक्स के पैसे से बनते हैं नॉर्मली। तो रेल, ब्रिजेस, रोड, तो ये इस तरह के गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, तो गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए टैक्स का कलेक्शन करती है। तो हम इसको दूसरी तरह से समझते हैं। देखिए एक कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या दो चीज जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या चाहिए? तो दो चीजें होती हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, पावर एंड पैसा, राइट। तो पावर एंड पैसा किसी भी कंट्री के पास है तो वो इजिली अपनी कंट्री को ग्रो और डेवलप कर सकते हैं। देखिए पावर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, प्लस पावर आती है हमारी हमारी जो डिफेंस से, राइट। हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, प्लस हमारे पास सभी लीगल पावर्स हैं कि हम कोई भी डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन लेने की पावर होना सबसे जरूरी है। सेकंड अब आता है पैसा। देखिए कोई भी आप डिसीजन लेंगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? पैसा, राइट। डिसीजन आपने ले तो लिया बट आपके पास उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? डिसीजन तो बेकार हो गया, नो। बट यदि पैसा है तो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो पैसे के सोर्सेज होते हैं, राइट, पैसे के सोर्सेज होते हैं। तो पैसे के गवर्नमेंट के भी कितने सोर्सेज हो सकते हैं? देखिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, बट हम इसमें मेजर थ्री आपको मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए एग्जांपल के लिए आप देखिए, एक मिस्टर ए है, राइट। सो मिस्टर ए हमारा कुछ इस तरह से है, राइट। मिस्टर ए थोड़ा सा आके वाके इसकी बढ़िया है, देन तो मिस्टर ए है, देन ये इसको पार्टी देनी है अपने फ्रेंड्स को, आज इसका बर्थडे है तो इसे पार्टी देनी है, एंड पार्टी के लिए इसको फंड्स चाहिए। अभी अपना पहले बजट लगाएगा, मेरा बजट कितना है? तो इसने लगाया मेरा बजट 10,000 है। बजट इसने 10,000 सोचा, बट इसके पास क्या 10,000 है? डेफिनेटली इसके पास 10,000 अभी नहीं है, अभी इसके पास 10,000 नहीं है। तो इसके पास अपना पैसा क्या है? तो देखते हैं, ये मान लीजिए अमन जॉब करता है या अमन बिजनेस करता है, तो इसका मतलब इसके पास अपना कुछ पैसा है जो उसने अपने जॉब या बिजनेस से अर्न किया होगा। लेट से दिस इज 5,000 रुपीज, अभी भी 5,000 रुपये इसमें शॉर्ट है। तो 5,000 रुपये के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपने घर में, तो घर मतलब पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स तो बिना कुछ पूछे ही पैसे दे देते हैं, बट पेरेंट्स ने अभी इसको 3,000 रुपये और दे दिए। तो मिस्टर ए के पास अभी भी शॉर्टेज आ रही है 2,000 रुपये की, मतलब इसके पास अभी फंड्स इसके कंप्लीट नहीं हुए, जितना इसका बजट था उतने रुपये इसको अभी नहीं मिले। अभी इसके पास 2,000 की शॉर्टेज है, तो 2,000 की शॉर्टेज के लिए थर्ड किसके पास जाएगा? अपने यार दोस्तों के पास जाएगा या अपने रिलेटिव्स के पास जाएगा, और वहां से क्या लेगा? ये लोन। तो मैं इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को समराइज करूं और इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका ओन फंड्स, ये हो गया आपका इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, राइट, एंड ये हो गया और कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको हम नाम देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके बदले में डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलना, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ लोन। तो देखिए आप देखेंगे मिस्टर ए ने तीन तरह से फंड्स अपने अरेंज किए। इसी तरह से सिमिलर लाइन पे हमारी गवर्नमेंट कंट्री को रन करने के लिए जो फंड्स रेज करती है, वहां पे हमने ये तीन तरीके देख पा रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट के अपना बिजनेस क्या है। तो गवर्नमेंट को अपने बिजनेस से जो पैसा आता है, सबसे पहले गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है। अपना बिजनेस मतलब गवर्नमेंट की जो अपनी पीएसयूज हैं,
के जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट एंटिटीज आप नाम बोल सकते हैं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट का अपना पैसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी है जहाँ 51% से ज्यादा स्टेक होता है गवर्नमेंट का ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर हो चाहे इंडिविजुअल यूनियन गवर्नमेंट का हो, तो वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट एंटिटी कहलाता है। इसका जो पैसा होगा गवर्नमेंट का क्या होगा, अपना फंड होगा। अब गवर्नमेंट को पैसे की नीड हो रही है, ये पैसा शॉर्ट है, ये पैसे से गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। सर गवर्नमेंट का कौन से पेरेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन होंगे आप बताइए, गवर्नमेंट के पेरेंट्स होते हैं हमारे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ही वोट देकर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, आपने ही वोट देकर गवर्नमेंट को बनाया, तो गवर्नमेंट के लिए आप भी तो पेरेंट्स हुए। अब गवर्नमेंट के लिए आप पेरेंट्स हो गए तो आपको कुछ तो पैसा देने पड़ेंगे ना, तो आप जिसका नाम आप देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपके पास पैसा मांगने आएगी, तो आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे गवर्नमेंट को वो क्या है, यही तो टैक्स है। तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से पैसा किस फॉर्म में अरेंज करती है, गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से पैसा टैक्स के फॉर्म में अरेंज करती है। ये दो तरह से हो सकता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, राइट, इसे हम आगे देखेंगे। नाउ थर्ड आइटम इज गवर्नमेंट के पास फंड शॉर्ट हो गए, तो गवर्नमेंट के पास अभी भी फंड शॉर्ट है, तो गवर्नमेंट थर्ड कैटेगरी में क्या होगा, लोन लेने जाएगी। लोन किससे लेगी गवर्नमेंट, अपने फ्रेंड कंट्रीज से, राइट, तो गवर्नमेंट भी इस तरह से लोन लेती है, लाइक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, तो गवर्नमेंट लोन लेती है इसी तरह से। तो सर हमने देखा टैक्स क्या है एंड देन टैक्स कलेक्शन क्यों होता है, तो टैक्स कलेक्शन होता है कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, राइट, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मीट करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, राइट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी फैसिलिटीज आपको कैसे अरेंज होंगे, फ्री में फूड फ्री में मिल रहा है आपको, ठीक है, एजुकेशन फ्री में मिल रही है, हेल्थ आपको फ्री में मिल रही है, मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट सरकार करवा रही है, तो ये सब चीज़ का है गवर्नमेंट के, इसके लिए क्या होता है फंड्स अरेंज करने हैं, फंड्स के लिए एक सोर्स होता है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, राइट। तो सर टैक्स हमने देखा, टैक्स के कलेक्शन के मोड, टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, टैक्स क्यों कलेक्ट किया जा रहा है हमने ये देखा। तो देखिए गवर्नमेंट हमारी होती है दो तरह की, एक होता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट और एक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राइट, ये तो आप सभी जानते हैं हमारे देश में दो तरह की सरकार होती है। तो सर ये इसका टैक्स में क्या रोल है, यहाँ टैक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए कोई भी टैक्स, सबसे पहले क्या, अभी हमने देखा टैक्स क्यों लगाते हैं, बट टैक्स लगाना क्यों है वो ठीक है, बट टैक्स लगाने की पावर है क्या गवर्नमेंट, क्या कुछ भी टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, के पास कोई लिमिट है कि कितना टैक्स लगाना है, कितने परसेंट, किस पे लगाना है, कितनी एग्जम्पशन देनी है? तो देखिए इन सभी का आंसर मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्टीमेटली एक वो एक फाइनल बुक है जिससे इंडिया हमारा गवर्न होता है, जिससे हमारे पूरा देश चलता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करता है, पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने की। तो आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखिए इसका मतलब है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा सकता, कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता जब तक कोई लॉ परमिट ना करे, मतलब कोई ना कोई इसके लिए लॉ होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे पहले एक पावर दे दी हमारे गवर्नमेंट को। आर्टिकल 265 के साथ एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है, आर्टिकल 246 कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स लेवी कर सकते हैं।
आर्टिकल 246 का जो सेवंथ शेड्यूल, आर्टिकल 246 का सेवंथ शेड्यूल है जहां पर तीन लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1, 2, 3 राइट। तो अभी हमने देखा हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यूनियन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इस पर एम्फेसाइज इसलिए दिया है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, दोनों की अपने अपनी पावर्स हैं, दोनों अपने अपने एरिया में टैक्स लगा सकते हैं, दोनों की अपनी लिमिट्स हैं टैक्स लगाने की, ठीक है, कोई टैक्स कोई लगा सकता है, कोई टैक्स दूसरा पर्सन लगा सकता है। तो देखिए हमारे पास तीन लिस्ट आती हैं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट आती है आपके पास स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है आपके पास कौन करंट लिस्ट। देखिए अभी हमने देखा था कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट। तो उसके बाद आर्टिकल 246 ने गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने की पावर दे दी, पावर कहाँ दी है, पावर दिया आर्टिकल 246 ने अपने सेवंथ शेड्यूल, ये तीनों लिस्ट कहाँ पर है, ये तीनों लिस्ट है सर सेवंथ शेड्यूल में, राइट। इन तीनों लिस्ट का मतलब क्या है सर, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इसमें कुछ मैटर्स हैं, इस लिस्ट के अंदर मैटर्स दिए हैं, ठीक है, इसमें जो एंट्री नंबर 82 है, ठीक है, इस यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर्स हैं, इन मैटर्स पे टैक्स लगाने के लिए जो आपको लॉ बनाना है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, राइट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उन पर यूनियन गवर्नमेंट हमारी लॉ बना सकती है, और इसीलिए हमारे पास एक एंट्री आती है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में क्या बोला गया, एंट्री नंबर 82 है इनकम टैक्स लेवी करने की पावर, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स एंट्री नंबर 2 में दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है कि वो इस एंट्री पर लॉ बना सकती है, और इस एंट्री पर लॉ बनाने के पर्पस से ही हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स जो बनाया गया है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। देखिए इनकम टैक्स एक्ट अभी हम जो देखते हैं वो 1961 है, बट ये सी से पहले और बन चुका है, उसके बाद ये रिपीट हुआ है, देन उसके बाद नया बना है, तो इसको हम आगे देखेंगे, बट यस अभी हमें अभी के लिए हमें देखना है हमारे पास जो तीन लिस्ट हैं, जो एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स वो आती है यूनियन लिस्ट में, मतलब ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी द इनकम टैक्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर नहीं दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, यस डेफिनेटली अपनी पावर है सर। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर देते हैं, बट उन्होंने बोला कि एक एक्सेप्शन रखते हैं इसमें, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर कौन एम्पावर होगा, इस पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, क्योंकि ना एग्रीकल्चर क्या होता है, स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट के कंट्रोल में होता है कि वो उस पर क्या टैक्स लगाए, इसको कैसे हैंडल करे, उसको कैसे मैनेज करे, तो इस पर टैक्स कलेक्शन का राइट भी किसका बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। और तीसरी लिस्ट है सर, तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, आप देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, इसमें जो मैटर्स होते हैं ये आपके नॉलेज पर्पज के लिए, इसमें जो मैटर्स होते हैं उन मैटर्स पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, बट यदि कोई मैटर है जिस पे यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने तीन लिस्ट देखा जो हमारे आर्टिकल 246 में आती हैं, 246 हमें एम्पावर करता है टैक्स लॉज बनाने के लिए, और वो लॉ बनाते हैं यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, राइट। अब हम इसके बाद देखते हैं टैक्सेस होते कितने तरीके हैं सर,
टैक्सेस दो तरह के होते हैं, आप बेसिकली जानते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा डिफरेंशिएशन हमने क्यों क्यों किया है। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पे, मतलब डायरेक्टली किसी पर्सन पे लगाया जाए, और डायरेक्ट टैक्स जो हमेशा टैक्स लगता है वो किसी की इनकम या वेल्थ पर लगता है, इनकम या वेल्थ पर ये क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो इनकम या वेल्थ पे टैक्स लगी है प्लस ये पर्सन इम्पोज होता है, इम्पोज ऑन द पर्सन डायरेक्टली, इम्पोज ऑन पर्सन डायरेक्टली। तो डायरेक्ट टैक्स उसी पर्सन पे लगाया जाता है जिसकी इनकम होती है, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट हमारे पास सामने आता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स आप रोज अपने डेली जिंदगी में आइटम्स खरीदते हैं, आप जितने भी मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, आपने चॉकलेट खरीदा, आपने कुछ भी खरीदा, आप उसमें इनडायरेक्टली एक टैक्स देकर आते हैं, राइट। आप इसमें क्या देते हैं, इनडायरेक्टली टैक्स पे करके आते हैं, जिसको आज हम जानते हैं जीएसटी। पहले एक्साइज वैट हुआ करता था, अभी वो जीएसटी में सभी शामिल हो गए। आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इसका क्या अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है हमारा, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन होता है, बर्डन। देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली हमारी इनकम पे चार्ज कर लिया जाता है, इसका एक तरह से हमें इसे हम बोल सकते हैं दिस इज पेनफुल, राइट। इससे पेनफुल है, इसमें पेन होता है। जब इनकम पे टैक्स लगता है आपको ईयर एंड में कंपटीशन करनी पड़ती है, यार मेरा इतना टैक्स बनना है, तो डेफिनेटली पेन होता है, जो टैक्स देता है उसे पता होता है। बट यस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये लेस पेनफुल है, ये लेस पेनफुल है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आप इसको, आपको पता नहीं होता, आप इसे इनडायरेक्ट वे में पे करते हैं, आप इसको कंप्यूट नहीं करते, आप इसको कंप्यूट नहीं करते हैं, आपको ऑलरेडी टैक्स जब आप पे करते हैं आपको पता भी नहीं लगता आपने टैक्स पे कर दिया है, राइट, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू में एडिड होता है। तो ये आपकी इनकम पर आता है, राइट, जैसा मैंने पहले बताया, और ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर आता है, राइट। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखिए, इन्हें चॉकलेट खरीदा या इन्हें एक बैग खरीदा, लेट्स से 1180 का, राइट। इसने 20 से अपना बैग खरीदा, तो इस 1180 में 1,000 रुपये और 18% टैक्स के 180 रुपये, दो चीज शामिल थे, राइट। अब देखेंगे, मिस्टर ए ने 1180 का बैग खरीदा, और 1180 में दो हिस्से हैं, 1,000 रुपये आपने उसको प्राइस दिया और 180 रुपये उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया। तो ये जो टैक्स पे किया है ए ने, ये लेट से जीएसटी है आपका 18% जो आपके बैग की प्राइस पे लगा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ए ने टैक्स दे दिया, देन उसके बाद उसको पता लगा कि हाँ उसने टैक्स दिया है, मतलब 1,000 प्लस 180, एक 1180 का टैक्स, 1180 का उसने एमआरपी पे अपना जो आइटम खरीदा उसमें 180 रुपये टैक्स पे किया, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। ए ने इनडायरेक्टली पे किया है, मतलब ए ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं किया है, ये टैक्स इसने किसको पे किया है, इसने टैक्स पे किया है मिस्टर बी को, इसने टैक्स पे किया है मिस्टर बी को टैक्स पे किया है। नाउ मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी ने क्या किया है, टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करेगा ये, अब मिस्टर बी
जिन्हें जो 180 कलेक्शन किया है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। मिस्टर बी की इनकम नहीं है, मिस्टर बी ने ए से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। तो ए की तरफ से गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है। ए के पास से जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है वो बी के थ्रू होकर जा रहा है। जबकि इस एग्जाम्पल ने ए ने लेट से कोई अर्न किया इनकम 100, इसके ऊपर उसको गवर्नमेंट ईयर एंड में क्या होगा, लेट से इसका 30% टैक्स ब्रैकेट है, तो इस पर 30 रुपीज इसका ये लग जाएगा टैक्स लग जाएगा, विच इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ये हमारा क्या डायरेक्टली टैक्स लग रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। देखिए इसको अनदर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ए ने एक आइटम सेल किया, इसका एमआरपी नोट से जैसे सेल प्राइस 200, बी ने क्या किया, परचेज किया। तो बी ने ए से जो आइटम खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, ए का सेल प्राइस कितना है 200 है, ए की कॉस्ट आती है लेट एज्यूम 100 आती है, और 100 का ए को प्रॉफिट बचता है, ये 50% प्रॉफिट पे काम कर रहा है। ए 100 रुपये का माल 200 में बेच रहा है, माल किसको बेच रहा है, बी को। बी ए एक जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी है, और बी ने ए ने जो बी को माल बेचा वो कितने में बेचा, 236 का बेचा टोटल, और गवर्नमेंट मिस्टर बी ने पे किए कितने 236 क्यों पे किया, बिकॉज ए ने 200 रुपये तो अपने प्राइस के कलेक्शन किए, प्लस इस पर 18% का इसने जीएसटी चार्ज किया, तो इसने बी से जो टोटल कलेक्शन किया वो 236 का किया। ऐसा क्यों, इनडायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ेंगे किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सेल या ट्रांसफर पर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ले भी होता है, इसे हम नाम देते हैं जीएसटी। तो जीएसटी 18% है लेट्स अज्यूम, तो 18% जीएसटी से कलेक्ट किया ए ने, तो ए के पास 236 का कलेक्शन आया, जिसमें से ए 36 दे देगा गवर्नमेंट को, 36 पे टू पे गवर्नमेंट, एंड रिमेनिंग 200 ऑन पॉकेट, राइट। अब इसमें से इसकी कॉस्ट आई थी बनाने की, इसको जो भी था 100 था, तो इसके पास प्रॉफिट कितना है 100। तो अब आप देखेंगे इसमें इस एग्जांपल में दोनों टैक्स आ गए, आपको आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में ठीक है टू पे गवर्नमेंट, राइट। तो मिस्टर ए ने 236 कलेक्शन किया, जिसमें से 200 इसका बेसिक प्राइस था और 36 टैक्स कंपोनेंट था, तो मिस्टर ए की जो इनकम हुआ, इनकम कितना हुआ 100 रुपीज, और इस पे इनकम टैक्स लग जाएगा एज्यूम 20% ब्रैकेट है, तो 20 रुपीज इसका इनकम टैक्स चला गया। तो गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन में सबसे पहला टैक्स मिला, इसमें टैक्स कितना मिला, टैक्स फ्रॉम ए, टैक्स फ्रॉम ए हुआ 200 का, सॉरी 100 का, 100 इज द प्रॉफिट ना, 100 का 20% 20 रुपीज, और मिस्टर बी से इन्होंने 36 रुपीज का जीएसटी कलेक्शन किया, किसने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली नहीं लिया मिस्टर बी से, गवर्नमेंट ने ए के थ्रू कलेक्शन किया, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन पे टोटल 56 का टैक्स मिल गया, 56 का टैक्स मिल गया है। तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, पहला वाला ए से जो टैक्स कलेक्शन हुआ है ये डायरेक्ट टैक्स है, जो ए की इनकम पर चार्ज हुआ है, जबकि जो मिस्टर बी से कलेक्शन हुआ है वो इनडायरेक्टली कलेक्शन हुआ है, जो उस वैल्यू की गुड्स पे, गुड्स की वैल्यू पे चार्ज किया गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हमारे 5 कंपोनेंट आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज, है ना, ये सभी चीजें। तो ये हम अपने सेकेंड लेक्चर में देखने वाले हैं। देन अभी हम देखते हैं इसको अपने, हम इसको एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं मेरी आप कॉन्सेप्ट बुक से। मैंने जैसे आपको बताया कॉन्सेप्ट बुक में आई हैव समराइज दीज प्रोविजंस इन वेरी सिंपल वे।
ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है हम इसको एक रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है, टैक्स क्या है? टैक्स सिंपली मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। टैक्स क्या है? एक सोसाइटी में रहने की कॉस्ट है, और ये अल्टीमेटली हम पे क्यों करते हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, यस। और ये गवर्नमेंट के लिए बनता है सोर्स ऑफ रिवेन्यू। गवर्नमेंट के जितने भी रिवेन्यू के सोर्सेज हैं उन सभी में एक फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हमने देखा दो तरह के टैक्स होते हैं इंडिया में। डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है इनकम पर डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट टैक्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा है वो उसी को पे करना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो मिडिल चेन होती है, जो हमारी मिडिल चेन है ए बी सी एंड डी, डी इज द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ए कलेक्शन इससे करेगा, बी कलेक्शन सी से करेगा, एंड सी कलेक्शन डी से करेगा। तो अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ रहा है? हमारे मिस्टर डी को, मतलब कंज्यूमर को। इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, बर्डन शिफ्ट हो रहा है। बट अल्टीमेटली बर्डन किसके पास आता है? कंज्यूमर के पास। आर्टिकल 265 साफ साफ कहता है कोई भी टैक्स कलेक्ट या लेवी नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट मीन्स जब तक लॉ परमिट नहीं करे, जब तक हमारी एक पावर नहीं आती टैक्स लेवी करने की, तब तक कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। आर्टिकल 246 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को एम्पावर करता है कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे बोला है? क्योंकि जो आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं, तीन में यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स है उन मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। बट यूनियन लिस्ट में आप देखेंगे यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82। तो एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स मैटर्स पर लॉ बनाने की परमिशन किसको है? यूनियन गवर्नमेंट को है। इट मींस पावर टू मेक द लॉज ऑन इनकम टैक्स मैटर्स लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट इसमें मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स यूनियन गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। एग्रीकल्चर मैटर स्टेट मैटर्स होते हैं, इस पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और यही बात हमने यहाँ रिपीट किया है, ठीक है। अभी इसके बाद हमने देखा था टैक्स हमने कलेक्ट क्यों किया, ये तो हमने देख लिया। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर मीट करने है, कंट्री को चलाना है, ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, ब्रिजेस बनाने हैं, मल्टीपल मैटर्स। टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी हैं। टैक्स क्या है? कंपलसरी चार्ज है, डेफिनेटली टैक्स इज ए कंपलसरी चार्ज। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एक तरह से इनकम टैक्स की, ठीक है। तो टैक्स क्या है? कंपलसरी चार्ज है। गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को पावर आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया कि आप टैक्स लॉ बनाइए। सरकार ने टैक्स लॉ बनाया और टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इट मीन्स इट बिकम्स कंपलसरी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। टैक्स क्या है? टैक्स इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टैक्स इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। जैसे मैंने बताया तीन तरह के सोर्सेज थे, अपने फंड्स, देन कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन किससे लिया? पेरेंट से। तो टैक्स क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका एक डायरेक्टली हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। टैक्स क्या है? पब्लिक बेनिफिट के लिए है। तो पब्लिक बेनिफिट कैसे सर? टैक्स कलेक्ट करने के जो मोटिव्स हैं, टैक्स कलेक्ट करने की नीड क्यों है? जैसे मैंने बताया पब्लिक वेलफेयर, तो पब्लिक वेलफेयर में एजुकेशन, हेल्थ वगैरह मैटर्स आते हैं, तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही तो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट इसका कोई नहीं होता है, मतलब टैक्स जब आप पे कर देते हैं तो उस पे किए गए टैक्स का असेसी या जो हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिलता है, राइट। उसको डायरेक्टली बेनिफिट कोई नहीं मिलता है कि उसको बदले में कुछ मिल रही है, मतलब इन कंसिडरेशन उसको क्या नहीं मिलता? इसको इन कंसिडरेशन कुछ नहीं मिलता है। टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम, डेफिनेटली टैक्स इनकम पे लगाया जाता है। एंड टैक्स इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों? क्योंकि टैक्स हमारे जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैक्स हमारे जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टैक्स से ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। टैक्स का कलेक्शन इस समय काफी अच्छा चल रहा है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस तो काफी अच्छा चल रहा है। तो आगे देखते हैं सर, देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जो हमने पढ़ लिया इनडायरेक्टली, बट ये टर्म्स में देखते हैं। टैक्सेशन जो लॉज हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। टैक्स लॉ बनाने का, टैक्स लॉ किस तरह का होगा, टैक्स कंप्लायंस कैसे होंगे, टैक्स कलेक्शन करने का मैनर क्या होगा, है ना, मैनर ऐसा होना चाहिए जो कन्वीनियंट हो। तो सबसे पहले टैक्स का प्रिंसिपल आता है इक्विटी का प्रिंसिपल, टैक्स कैनन ऑफ इक्विटी। मतलब टैक्स ये नहीं कि आप गरीब आदमी पर भी 30% टैक्स लगाएं और अमीर पर भी 30%, मतलब टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम अप्रोच। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स, इनकम कम है तो कम टैक्स। तो टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? टैक्स सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस।
मतलब यदि कोई 100 अर्न कर रहा है तो उस पर 20% है, यदि और यदि कोई 500 अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर भी 20 हो तो अच्छा लगेगा, नहीं 20% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रिंसिपल ऑफ दिस इज ओके। बट आप कहें नहीं, इसमें हम 20 ही रुपीज लेंगे और यहाँ भी हम 20 रुपीज लेंगे तो ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। बट यस, एक आप एक परसेंटेज फिक्स कर दिया कि ठीक है आप इतना परसेंट आप अपनी इनकम का पे करेंगे, इतना परसेंट आप अपनी इनकम का पे करेंगे, दैट इज द इक्वालिटी। कैन नो सर्टेनिटी, देखिए सर्टेनिटी का मतलब है टैक्स लॉज क्या है, बहुत चेंजेस हैं, डायनामिक हैं, ठीक है आज के टाइम में तो स्पेशली। तो टैक्स लॉज होने कैसे चाहिए, टैक्स लॉज ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा सर्टेन हो, मतलब देर मस्ट बी सर्टेनिटी एंड ट्रस्ट बिटवीन द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर अपना फील करे कि यस मैं जिसको टैक्स दे रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ है, ठीक है आज वो कुछ बोल रहा है देन कल को गया अमेंडेड लॉ आ गया देन कल कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये ऐसा होता नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है, बहुत डायनामिक है टैक्स लॉज। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, देखिए कन्वीनियंस सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स गवर्नमेंट ने बोला मुझे कलेक्ट करना है तो टैक्स कलेक्शन का ना मैनर भी तो होता है, आप मैनर टैक्स कलेक्शन का ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट क्या होगा, उससे आपकी कंप्लायंस अच्छी होंगी, ठीक है। अब टैक्स सिस्टम इतना टफ बना दो कि आपकी टैक्स पेयर को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है ना, किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह से ये सब प्रोसेस करना है, तो फिर आपको टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। दूसरा लास्ट ऑप्शन आता है इसमें, टैक्सेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपकी जो टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट है ना वो थोड़ी सी चीप होनी चाहिए, थोड़ी सी चीपर होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मतलब टैक्स कलेक्शन में जितना आप टैक्स कलेक्शन करने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा, वेबसाइट है गवर्नमेंट का, पूरा एक डेटा बेस है, पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों की कॉस्ट आती है। सेकेंड कंप्लायंस कॉस्ट, तो टैक्स को कंप्लायंस करने की भी कॉस्ट आती है। तो किसी भी कंट्री में जो टैक्स लॉज हैं उनमें टैक्स इकोनॉमी होनी जरूर है, इकोनॉमी होना जरूरी है, इकोनॉमी होगी तभी टैक्स पेयर्स थोड़ा टैक्स पे करने के लिए क्या होंगे, टैक्स पेयर्स विलिंग होंगे टैक्स पे करने के लिए, यदि उनके टैक्स फाइलिंग की कॉस्ट भी कम आ रही है, राइट। तो बहुत ईजी था आज जो हमने देखा, टैक्स क्या है, टैक्स के टाइप्स, टैक्स गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है, ठीक है टैक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टैक्स का बेसिकली मोटिव क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है इनकम टैक्स लॉ क्या कहते हैं, ठीक है इनकम टैक्स लॉ इंडिया में क्या है, इनकम टैक्स लॉ का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है कि इसमें क्या क्या आता है, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।